हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इस वीडियो में हम क्लास सिक्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी की यूनिट सेकंड जो फ्रेंडशिप है उसका द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं हमने चैप्टर ऑलरेडी रीड कर लिया है इसके जितने भी चैप्टर हैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को पेज नंबर फोर्टी टू जहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था चैप्टर का वहां पर कुछ एक्टिविटी दी हुई थी पहले उस एक्टिविटी को देखेंगे लेटेस्ट डिस्कस में हमें दिया था टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टूगेदर नाउ राइट

दोनों ने एक साथ खाना भी खाया था अब सेकंड क्वेश्चन दिया है वाई डिड द फार्मर हग बंटी अब फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया सो द फार्मर हग बंटी एज ही ग्लैड टू सी बंटी बंटी अब फार्मर ने को हग इसलिए किया क्योंकि वो बंटी को देखकर बहुत खुश हुआ था ये उस समय की बात है जब जो हाथी है और जो डॉग है वो नहाकर वापस आ रहे थे द फार्मर हैज बिन लुकिंग फॉर बंटी सिंस ही अपियड फ्रॉम हिज हाउस अब फार्मर जो है बंटी को काफी समय से ढूंढ रहा था और तब से ढूंढ रहा था जब से वो घर से गायब हो गया था घर पर नहीं मिल रहा था डू यू थिंक बंटी थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्या बंटी जो है गजराज को छोड़कर अपने फार्मर अब अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो बंटी जो है वो गजराज को छोड़कर नहीं जाएगा अपने फार्मर के पास फार्मर के घर पर क्योंकि गजराज के साथ उसका मन लग रहा था टिल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी बंटी एंड गजराज शेयर अ डीप बॉन्ड और फर्स्ट पार्ट तक जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बंटी और गजराज जो है एक काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं तो बंटी गजराज को छोड़कर नहीं जाएगा ऐसा मुझे लगता है अब पेज नंबर 45, जहां पर हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है वहां पर लेटेस्ट डिस्कस की एक्टिविटी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया था तो से अकॉर्डिंग गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली

एलिफेंट एंड बंटी द डो वर फ्रेंड्स अब स्टोरी के एंड तक जो है गजराज जो की था और बंटी जो की डोग था वो दोनों दोस्त बन चुके थे अच्छे एट द सेम टाइम द महोत एंडार्मर वर ऑल्सो बिकम फ्रेंड्स अब महोत और जो फार्मर है वो भी अच्छे दोस्त बन गए थे तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी दो फ्रेंडशिप हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई है

दोस्त नहीं था यह हमें एक पैराग्राफ दिया है, इसके बेसिस पर हमें कंपेयर करना है, है विद वन वर्ड। अब ये दी हुई है हमें, जिसमें जो था, अब महोत जो था एक अच्छा केयर टेकर था वो अच्छा केयर टेकर क्यों था क्योंकि वो डेली जो है उसे खाना भी सर्व करता था गजराज को फूड भी सर्व करता था और उसे पॉन्ड में नहलाने के लिए भी ले जाता था एक बात

की बात करें तो वो केवल इतना ध्यान रखते हैं कि जिसकी वो केयर टेक कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहे उसकी जो जरूरतें हैं वो उसे पूरी करें इसके अलावा इमोशनल केयर जो है वो उसे नहीं मिल पाती है कंपेनियनशिप भी नहीं मिल पाती है इसलिए फ्रेंड्स और केयर टेकर्स में काफी डिफरेंस होता है अब बी पार्ट हमें दे रखा है बी पार्ट में भी एक्सचेंजा है आर यू मिसिंग योर फ्रेंड आज दमर रिमेम्बरिंग दैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस सिटिंग ऑन बंटी बैक अब जब बंटी जो है वो एलिफेंट की पीठ पर बैठा था तब बंटी काफी खुश था इस चीज को याद करते हुए फार्मर जो है बंटी से पूछता है आर यू मिसिंग योर फ्रेंड की क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो क्या आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सैट द फार्मर इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही है डॉग अब फार्मर जो है वो बंटी से कहता है कि मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता हूं भाई अगर तुम अपने दोस्त को इतना ज्यादा मिस कर रहे हो तो उसके पास जा सकते हो और इसीलिए फार्मर जो है उसकी जो रस्सी है गले से वो खोल देता है जिससे उसने डॉग को बांधा हुआ था तो इसी बेसिस पर हमें इसके आंसर देने हैं द फार्मर यूजेस द वर्ड डैश टू रेफर टू द एलिफेंट अब फार्मर ने एक वर्ड यूज किया था एलिफेंट के लिए वो वर्ड क्या था फ्रेंड यानी कि वो बंटी का एक फ्रेंड बन चुका था एक दोस्त बन चुका था हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री अब फार्मर को कैसे पता लगा कि बंटी जो है वो भूखा है द फार्मर फार्मर नोटिस नोटिस दैट बंटी बंटी हैड हिज फूड सिंस कमिंग बैक होम अब ने ये किया कि बंटी जब से घर पर आया है उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया टच तक नहीं किया हैंस ही कुड सी दैट बंटी वॉज हंग्री और अगर उसने खाने को टच तक नहीं किया तो उसे भूख जरूर लगी होगी इसीलिए फार्मर को आइडिया हुआ की बंटी जो है वो हंग्री है वाई डिड द फार्मर रिमूव द रोप विद ही अब फार्मर ने जिस रस्सी से बंटी को बांध रखा था वो रस्सी उसने क्यों खोल दी सो द फार्मर रिमूव द रोप बिकॉज ही आइडेंटिड बंटी फॉर ने वो रोप उसके गले से बंटी के गले से इसलिए खोल दी क्योंकि उन्हें पता लग चुका था की बंटी जो है उसे अपने दोस्त की जरूरत है और उसका दोस्त कौन था गजराज सींग बंटी अनहेपी एंड नॉट एटिंग द फार्मर रियलाइज दंटी इज हैजराज अब जब फार्मर ने देखा की बंटी जो है वो नाखुश है, कुछ खा भी नहीं रहा है तो फार्मर को रियलाइज हुआ कि बंटी की जो खुशी है वो उसके दोस्त गजराज के साथ रहने में है। और इसी से फार्मर ने बंटी को अलाउ कर दिया कि वो अपने दोस्त के पास वापस जा सकता है इसीलिए उसने बंटी की रस्सी भी खोल दी थी अब फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट विद वन वर्ड अब ये भी हमें एनोलॉजी दी हुई है गजराज जो है उसके पास बंटी है तो फार्मर के पास कौन है तो फार्मर के पास है महोत उसका दोस्त यानी कि यहाँ पर फ्रेंड को रिप्रेजेंट किया गया है अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स टू शो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू है उसे नया दोस्त मिलने पर वो काफी एंड केयर अब गजराज जो है उसने बंटी के साथ अपना फूड शेयर किया था जब वो डॉग जो है यानी कि बंटी जो है वो भूखा था तब उसने अपना फूड शेयर किया था जिससे पता लगता है कि वो कितना जेनरस है कितनी देखभाल करता है गजराज प्लेफुली फुलज

उट द फ्रेंडशिप ऑफ गजराज एंड बंटी तो गजराज और बंटी की दोस्ती में बंटी एक दूसरे से अलग अलग थे उनकी स्पीसीज अलग अलग थी इसी वजह से उनकी फ्रेंडशिप जो है उसको अनलाइकली बताया गया है नॉर्मली एलिफेंट एंड डॉग्स डो नॉट इंटरैक्ट क्लोजली इन द नेचुरल सेटिंग अब हम इन जनरल बात करें तो एलिफेंट और डॉग को हम बहुत ही रेयरली कभी देखेंगे इंटरेक्ट करते गजराज और बंटी की दोस्ती जो है वो काफी निखर कर आई क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सर्कमस्टेंसेज अपना इमोशनल बॉन्ड शेयर किया था एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया था एक दूसरे की केयर भी की थी ध्यान भी रखा था एक दूसरे के साथ खेले भी थे तो इन्होंने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना ली थी जिस वजह से इनकी दोस्ती जो है काफी निखर कर हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई है अब नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है अस लर्न की जिसमें कहा है गजराज, friend, Bunty, अब गजराज जो है, वो सैड विद को किया है. जब वो से मिला तो वो जॉय से भर गया, से गया. को भी यहां पर किया और कहा है सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर अपोजिट्स तो सैड और जॉय ये एक दूसरे के अपोजिट हैं ऑपोजिट कैन ऑल्सो बी फॉर्म बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर वर्ड अब अपोजिट जो वो इस तरह के वर्ड भी हो सकते हैं जैसे सैड और जो और कुछ ऐसे वर्ड भी हो सकते हैं जिसमें कि हमारे वर्ड वर्ड में ही कुछ आगे prefix add करके हम उससे नया create कर सकते हैं। For example, unhappy. अब happy में लगाया, तो इन करेक्ट बन गया कनेक्ट में डिस तो डिसकनेक्ट बन गया यूज में मिस वर्ड लगाया तो मिस यूज तो बन गया इस तरह के हमें प्रीफिक्स दिए जैसे un, in, dis, ये हमें प्रीफिक्स दिए पर जो इन्होंने यूज किए हैं और कहा है नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज एंड फिल पजल नॉट ऑल हमें चेक करके और इसके ऑपोजिट जो है पजल में फिल करने हैं और हमें ये भी कहा है कि जितने भी वर्ड्स इसमें यूज होंगे वो हमें स्टोरी में ऑलरेडी दिए गए थे हमने पढ़े हैं वो सो वी आर ऑपोजिट देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर का यहाँ पर डाउन में दिया

फिर हमें फिफ्थ दिया हुआ है अनटच अनटच्ड का फिफ्थ में होगा टच्ड फिर सिक्स्थ में दिया हुआ है हमें हेट हेट यानी कि नफरत करना और प्यार करना इसका ऑपोजिट होगा मीन्स टू लव तो इसका ऑपोजिट होगा लव अब ये हमारे आधे जो हैं डाउन वाले जो हैं वो फिल हो चुके हैं अब अक्रोस वाले रह चुके हैं अक्रोस वाले में हम देखेंगे थर्ड दिया हुआ अनकाइंड अनकाइंड में यूज किया गया है यानी कि इसका ऑपोजिट बचेगा काइंड तो थर्ड में है के आई एन डी काइंड फिर है सेवंथ येल्प्ड ये मीन चिल्लाना ये हमने क्राई पढ़ा था चैप्टर के अंदर येल्प यानी कि क्राई यानी कि चिल्लाना तो चिल्लाना या रोना इसका ऑपोजिट होगा हंसना तो सेवंथ में होगा लाफ्ड तो so, सेवेंथ हो गया हमारा लाभ फिर है एथ अवेक यानी कि जागना और इसका अपोजिट होगा अस्लीप यानी कि सोना फिर नाइन्थ है रिलीव्ड रिलीव्ड यानी कि शांत रहना और इसका अपोजिट होगा वरिड यानी कि चिंतित रहना और फिर टेंथ है मिसिंग मिसिंग का होगा फाउंड इसी के साथ हमारी ये जो पजल है ये कंप्लीट हो चुकी है जिसमें फर्स्ट है स्टार्टेड जिसका होगा फिनिश सेकंड है अनकाइंड जिसका होगा काइंड सेवंथ है अवेक जिसका होगा असलीप नाइन्थ है रिलीफ जिसका होगा वर्ड और टेंथ है मिसिंग जिसका होगा फाउंड ये हमारे सभी आंसर है इस पजल के ये हाँ पर मैंने फिल कर दिए। अब अब हमें दिया। जो हमने अभी पजल की है, इसमें से ही वर्ड्स की हेल्प लेते हुए हमें आगे आने वाले पैराग्राफ को फिल करना है सो माय पेंसिल वाज डैश आई वाज वेरी डैश एज इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय फ्रेंड सो माय पेंसिल वाज मिसिंग मेरी पेंसिल खो गई थी आई वॉज वेरी सैड अब मैं काफी दुखी था एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड आई अप एल्डर ब्रदर हु वोक डैश ऑन द बेड तो वो बेड पर क्या कर रहा था वो सो रहा था ही वॉज अस्लीप ऑन द बेड आई टोल्ड हिम दैट माई डैश तो यहां पर आएगा डिस एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर द पिलो सो ही लाव He laughed and told me to look under the pillow. I was delighted. I was delighted when I found the pencil. तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आएगा मिसिंग सेकंड में सैड थर्ड में असलीफ फोर्थ में डिस में लाफ सिक्स में डिलाइटेड और सेवंथ में फाउंड अब इसमें हमने जो सैड और डिलाइटेड एक दूसरे के ऑपोजिट बने इसकी जगह हम और वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जैसे सैड की जगह हम यहाँ पर वर्ड लिख सकते हैं जो की हमने ऊपर पजल में देखा और वर्ड का हमने फिर ऑपोजिट पढ़ा था रिलीव तो डिलाइटेड की जगह हम क्या बर देंगे रिलीव्ड इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं यानी कि सैड था या दुखी था उसकी जगह हम कर देंगे चिंतित था वरिड था और डिलाइटेड यानी कि खुश था उसकी जगह हम कर देंगे रिलीव यानी कि वो शांत हो गया रिलैक्स हो गया तो ये मैंने नीचे आंसर फिल कर दिए हैं मिसिंग सैड या वरिड असलीप डिसअपियर्ड लाफ डिलाइटेड रिलीव और फाउंड अगर हम सैड यूज करेंगे तो ही उसका ऑपोजिट डिलाइटेड यूज करेंगे और वरिड यूज करेंगे तो उसका ऑपोजिट रिलीव यूज करेंगे अब नेक्स्ट हमारे सामने दिया है द वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन आर कोल्ड वर्ब्स अब कोई ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं इन द स्टोरी द ऑथर दस वेपन बिफोर अब स्टोरी में हमें ऑथर ने बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा है टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड और वर्ब इज यूज और इस तरह के एक्टिविटी के लिए हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं उस एक्शन वर्ड की जिसे हम वर्ब कहते हैं पास्ट टेंस की वर्ब कहते हैं लेट अस लर्न अबाउट थ्री

फिनिश एंड वॉज गोइंग ऑन अब ये पास्ट के बारे में बता रहा है पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था और वो ऑन गोइंग था कंटिन्यूस था अभी फिनिश नहीं हुआ था इसके लिए हमें कहा वर्ब तो हम लेंगे और उसके साथ वर्ब और आई एन जी लगाएंगे हम और जो प्लुरल है जैसे वी यू दे इनके साथ हम वर्ग लगाएंगे और उसके साथ वर्ब और आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी और फिर पास्ट परफेक्टेंस यूज टू शो दैट द एक्शन

परफेक्ट टेंस उनके अकॉर्डिंग हमने टेबल में फिल करना है तो ये टेबल में मैंने फिल कर दिया है सिंपल पास टेंस में ये वर्ड्स आएंगे टोल्ड लुक्ड हेटेड वेंट आस्क्ड ज्वाइंट गेव नोटिस्ड सर्वड टच्ड और थ्रू ये सभी जो हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास प्रोग्रेसिव टेंस में देखिए वोज वर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी दिया हुआ था तो ये सभी आईएनजी फॉर्म प्रोग्रेसिव टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये वोज में है यानी कि ये सभी जो हैं वो सिंगुलर के साथ लगी होंगी फिर उसके बाद है पास परफेक्ट टेंस जिसमें हैड टाइड हैड फॉलोड हैड रिमेंड हैड ये सभी जो है, हैड के साथ लगे हुए हैंड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की गई है यहाँ पर और इसमें वोज या वर्ग के साथ हमारे सामने यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी फॉर्म तो ये तीन फॉर्म्स आपने याद रखनी है कि सिंपल पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है पास प्रोग्रेसिव में के साथ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आई एंड पास टेंस में हेड के साथ वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज की जाती है

तो उसने उससे पूछा यहां पर भी देखिए वो सैड लगाया है यानी कि यहां पर भी सिंपल पास टेंस यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां भी सिंपल पास टेंस हमने लगाया है फार्मर डैश फेल्ट वॉज फीलिंग हैड फेल्ट सो फार्मर फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग यहाँ पर तीन हमें दिए थे मिस्ड वॉज मिसिंग हैड मिस्ड गजराज एंड सेट हिम फ्री सो फार्मर ने ये फील किया कि बंटी जो है अपने दोस्त को मिस कर रहा था इसीलिए उसने गजराज के पास उसे जाने के लिए अलाउ कर दिया और बंटी को फ्री कर दिया था उस टाइम पर अब अगर आप एक चीज नोटिस करें तो ये सभी वही वर्ड है जो हमने ऊपर देखे थे यानी कि हमने जो टेबल में फिल किए उसमें नोटिस वर्ब की सेकंड फॉर्म में था फेल्ट भी सेकंड फॉर्म में था आज भी सेकंड फॉर्म में था वॉज मिसिंग हमने पास्ट प्रोग्रेसिव में पढ़ा था और हेड टाइड जो है ये हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था तो ये उसी तरह द टू फ्रेंड्स वॉल्टियर्स अब ना ही फार्मर ने और ना ही महोत ने ये चीज नोटिस की कि जो दो दोस्त है वो दोनों रो रहे हैं वर्ड्स नीदर नोर आर यूज्ड टू स्टेट द महोत डिड नॉट नोटिस द सेम थिंग अब इसमें जो वर्ड हुए हैं यूज नीदर और नोर ये हमें शो कर रहे हैं कि फार्मर ने और महोत ने दोनों ने सेम चीज, सेम दो चीजों को एक साथ नकारने के लिए यानी कि जब दो नेगेटिव चॉइस एक साथ आती है तब हम नीदर नोर का यूज करते हैं यानी कि दोनों में से कोई भी ना होना फॉर एग्जाम्पल नीदर रोहित नोर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल ना तो रोहित और ना ही मैं हम दोनों ही फुटबॉल नहीं खेलना चाहते हैं यानी कि ये नेगेटिव सेंस शो कर रहा है कि ना तो मैं ये काम करना चाहता हूँ ना ही सामने वाला ये काम करना चाह रहा है वेन यू नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वॉन्ट यू मे यूज इधर और जब हमें दो में से कोई एक चीज चूज करनी होती है तो हम इधर और का यूज करते हैं जैसे की रोहित वॉन्ट्स टू तो प्ले इधर क्रिकेट और खो खो की रोहित जो है या तो क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो खेलना चाहता है अब जब हमें दो में से एक चीज चूज करनी हो तो हम इधर और का यूज कर लेते हैं एक सेंटेंस में और जब दोनों में से कुछ भी चूज ना करना

क्या है और के बाद जो हमारे सामने एट द टाइम सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है तो अनुज जो है वो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है तो अनुज के साथ क्या आएगा लाइक्स यहाँ पर अब मेड दिया हुआ है मेड जो है ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो होती है उसकी कभी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाई जा सकती है ये ध्यान रखिएगा द सेंटेंस इट मीन दैट बोथ शिखा एंड अनुज डू नॉट लाइक टू टेल स्टोरीज अब इसमें क्या आ रहा है समझ कि ना तो शिखा और ना ही अनुज दोनों ही बताना पसंद नहीं करते हैं दो नेगेटिव चोसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है यानी कि जब हमने दो सब्जेक्ट में से कुछ भी चूज न करना हो तो उसके लिए नीदर नोर का यूज करते हैं या तो ने दोनों में से किसी एक ने पेंटिंग बनाई थी कहाँ यूज होती है टू पीपल भवेश और अभा मेड दिस पेंटिंग यानी कि इसका मतलब क्या हुआ की दोनों में से एक जने ने या तो भवेश ने या फिर अभा ने एक नई पेंटिंग बनाई है इधर एंड ओर आर यूज प्रेजेंट टू पॉसिबिलिटीज इंडिकेटिंग और दो पॉसिबिलिटीज को दिखाता है कि या तो फर्स्ट पर्सन जो है उसकी बात सही है या सेकंड पर्सन जो है उसकी बात सही है या फिर फर्स्ट चॉइस सही है या फिर सेकंड चॉइस सही है यानी कि या तो भावेश ने यह पेंटिंग बनाई है या फिर अभा ने यह पेंटिंग बनाई है दोनों ने नहीं बनाई है हम दोनों में से सिर्फ एक को ही चूज करेंगे नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दिए यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ रेफर टू पेज 71। अब हमें पेज नंबर 71 पर एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है जिसको हमने पढ़ के और इसमें जो है करेक्ट आंसर फिल करने हैं तो पेज नंबर सेवेंटी वन का ट्रांसक्रिप्ट है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड तो इसमें क्या है लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम वडोदरा इन गुजरात हु बिकेम फ्रेंड्स अब यहां पर एक स्टोरी बताई जा रही है जो कि एक और एक और लेपर्ड की है जो कि वडोदरा गुजरात में है और ये दोनों दोस्त है अब यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ये भी है की वडोदरा कहा है वो गुजरात में है एज यू नो अ लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल एंड अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल अब जैसा की हम जानते हैं कि लेपर्ड जो है वो जंगली है और जो है वो साधारण तौर पर हम घर पर भी रखते हैं तो ये है। that that like मदर की तरह वेन द कब बिकेम ऑल्डर इट वेंट अवे फ्रॉम विलेज और ये जो कब जो है यानी कि ये लेपर्ड बन गया बड़ा हो गया तो ये जो है गांव से दूर चला गया इट रिटर्न टू मीट द एट नाइट ये रात को काउ से मिलने आता था दावे स फॉर वर्ड बट दे ने लेपर्ड अभी जो विलेजर्स थे काफी चिंतित थे लेकिन इन्होंने लेपर्ड को आने से कभी भी नहीं रोका दे सो दस्ट से ये चीज नोटिस की थी की लेपर्ड जो आता था वो शांत रहकर काउ के पास बैठा रहता था द काउ एंड लेपर्ड स्पेंड टाइम बाय रिलेक्सिंग एंड प्लेइंग विद ईच अदर अब जो काउ है और जो लेपर्ड है वो एक दूसरे के साथ समय बिताते थे एक दूसरे के पास बैठकर रिलेक्स रहते थे और एक दूसरे के साथ खेलते भी थे द लेपर्ड डेड नोट

कैसा एनिमल है वाइल्ड एनिमल है हमने अभी पढ़ा है बट इट बिकम अ फ्रेंड ऑफ काउ वेन द लेपर्ड ग्रू अप इट लेफ्ट द विलेज इट केम इन द डैश टू मीट द काउ ये कब आता था भाई नाइट के टाइम पर आता था रात के टाइम आता था द लेपर्ड वुड सिट डैश द सो द द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड वो cow के बगल में आकर बैठ जाता था दे ऑल्सो प्लेड टूगेदर डैश वरप्राइज एट देयर फ्रेंडशिप तो उनकी फ्रेंडशिप पर हैरान कौन था तो वो थे विलेजर्स तो इसी बेसिस पर यानी कि जो ट्रांसक्रिप्ट था उस बेसिस पर जो स्टोरी थी वो हमने पढ़ ली है अब आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं ये फर्स्ट में वाइल्ड था सेकंड में नाइट थर्ड में बिसाइड और फोर्थ में विलेजर्स अब हमारे सामने एक एक्टिविटी दी है नाउ लिसन टू स्टोरी अगेन हमारे लिए करके दिया है फर्स्ट सेंटेंस है द का टूक केयर ऑफ द लेपर्ड गाओ तो जो है वो लेपर्ड करती थी उसके बाद क्या एक्टिविटी हुई क्या द लेपर्ड स्टॉप कमिंग रेगुलरली तो ये तो बिल्कुल लास्ट में हुआ था तो इसको हम फोर्थ नंबर दे देते हैं क्योंकि चार ही सेंटेंस है द लेपर्ड कम टू मीट द काउ एट नाइट ये हुआ था बीच में द द लेपर्ड लेफ्ट विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप अब पहले तो लेपर्ड ने विलेज को छोड़ा था जब वो बड़ा हो गया था और उसके बाद ही वो नाइट में मिलने आता था तो ये सेकंड नंबर है ये थर्ड नंबर है और लास्ट में तो हो ही गया कि उसने रेगुलर बेसिस पर फिर आना बंद ही कर दिया था तो हमारा सीक्वेंस क्या हुआ फोर वन थ्री टू जो की मैंने यहाँ पर भी एड कर दिया फोर वन थ्री टू अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है लेट अस स्पीक गजराज एंड बंटी हैड वंडरफुल टाइम विद ईच अदर इन इफ देवर अनलाइकली फ्रेंड्स अब गजराज और बंटी है वो अनलाइकली फ्रेंड्स थे उनके दोस्त होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है टॉक टूर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट यूर कॉमन लाइक्स एंड डिस कोई ऐसी दोस्तों के बीच में आपके क्या लाइक्स और डिसलाइक है पहले तो बताना है की हम दोनों जो है वो क्या चीज पसंद करते हैं तो मेरा नाम मान लीजिए राम है और मेरे दोस्त का नाम जो है शाम है सो एम राम आई लाइक अब मैं राम हूँ मुझे टीचिंग पसंद है और रीडिंग बुक्स पसंद है मेरा दोस्त श्याम है जिसे ड्रॉइंग पसंद है और ट्रेडिंग पसंद है लेकिन हम दोनों को क्या पसंद है टू प्ले क्रिकेट एंड टीचिंग ये हमारी कॉमन क्वालिटी है अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड यू में टेक हेल्प ऑफ द क्यूज गिवन बिलो और अब हमें बताना है अपने क्लासमेट्स को और ये नीचे जो है तीन सेंटेंसेस दिए हैं इन्हें हम क्लूज मानकर जो है इनकी हेल्प ले सकते हैं इस पैराग्राफ के बेसिस पर ही हम आंसर दे रहे हैं ये ध्यान रखना है हमें सो माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले अब मुझे और मेरे दोस्त को खेलना पसंद है बोथ ऑफ अस वॉन्ट टू प्ले और हम दोनों जो है वो खेलना चाहते हैं आई लाइक टू टीच मुझे पढ़ाना पसंद है बट माई फ्रेंड लाइक्स टू ट्रेड लेकिन मेरे दोस्त को ट्रेडिंग पसंद है वी आर डिफरेंट हम दोनों अलग हैं एज शी और ही इज एन आर्टिस्ट क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो आर्टिस्ट है एंड आई एम अ टीचर और मैं एक टीचर हूँ अब नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी हुई है राइट ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है राइट सिक्स सेंटेंसेस अबाउट योर फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स कलेक्टेड इन द अब टास्क अब जो हमें ऊपर टास्क दिया था उसके बेसिस पर हम कुछ हेल्प लेकर और अपने फ्रेंड के बारे में छह सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हमें ये कुछ एक वर्ड दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से जो है हमें सेंटेंसेज बनाने हैं तो यहाँ पर मैंने छह सेंटेंसेज एड कर दिए है ये वर्ड है सेम बोथ नीदर डिफरेंट स्टिल नॉर एंड लाइक ईदर और अनलाइक बर्ड तो ये टोटल ट्वेल्व वर्ड जो है हमें यहाँ पर दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से छह सेंटेंसेस बनाने हैं तो यहां पर मैंने वो सेंटेंसेस भी बना दिए हैं और उन्हें अंडरलाइन भी कर दिया जैसे माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले द सेम स्पोर्ट्स गेम क्रिकेट इधर ही नोर आई आई एम इमेच अभी देखिए नोर के बाद क्या आ रहा है आई आ रहा है तो आई के अकॉर्डिंग ही मैंने वर्ब फिल की है आई के साथ एम यूज करते हैं आर नहीं यूज करेंगे यहाँ पर बोथ श्याम एंड आई अर्न वेल विद आर वर्क बट अनलाइक मी ही इज अर्निंग मोर वी लिव इन डिफरेंट सिटीज स्टिल वी शेयर गुड बॉन्ड विद ईच अदर आई कैन इधर ड्राइव माई टू द ग्रोसरी स्टोर और राइड माई बाइक तो यहाँ पर देखिए छह सेंटेंस जो है मैंने बना दिए हैं और ये छह सेंटेंसेज आप लिख लीजिएगा और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जय हिंद